हाय नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गेट योर सॉल्यूशन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई खबर पर जो कि केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनर से जुड़ी हुई है। यह खबर है महंगाई भत्ते से संबंधित, जो कि जनवरी 2020 से बढ़ा हुआ है। तो इस संबंध में मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने पिछले सप्ताह ही राज्यसभा में लिखित जवाब में भरोसा दिलाया था कि मार्च महीने की सैलरी के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता बढ़कर मिलेगा। इस प्रकार केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। शुक्रवार यानी 13 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए यानी महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी दी। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि बढ़ा हुआ भत्ता 1 जनवरी से लागू होगा। सरकार का दावा है कि इससे 1.13 करोड़ परिवारों को फायदा होगा। अब केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 21% हो गया है। दिसंबर 2019 तक यह महंगाई भत्ता 17% था, जिसमें 4% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार अब महंगाई भत्ता 21% हो गया है। एक छोटा सा सवाल है, महंगाई भत्ता क्या होता है? महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को रहने खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है। यह केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्रीय पेंशनर्स को अभी प्राप्त होगा। राज्य सरकारें इसे अपनी सुविधा अनुसार लागू करेंगी। मध्य प्रदेश की स्थिति के अनुसार अगर हम बात करें तो अभी तक जो जुलाई 2019 में 5% दैनिक भत्ता यानी डीए लागू किया गया था, वह अभी तक यहाँ मध्य प्रदेश राज्य में लागू नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य में अभी तक महंगाई भत्ते की दर 12% है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश में भी महंगाई भत्ता दर 12% से बढ़कर 21% कर दी जाए। आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।